जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तो हम में से अक्सर जो लिखने में अच्छे थे वो दे वुड इन्जॉय राइटिंग पोइट्री और राइटिंग एन नैसे और अ स्टोरी लेकिन ग्रामर की जो क्लास होती थी वो सबसे बोरिंग और सबसे डल और ड्राई लगती थी शायद ये वजह है कि अक्सर हमारे कोई कॉमन एरर्स हैं जो अब uh, इतने देर अ पार्ट ऑफ आर लैंग्वेज दैट वी डोंट इवन नो दैट दोज आर एरर्स एंड दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अप राइटिंग प्रोफेशनली टू गेट योर ग्रामर एंड पंक्चुएशन राइट कि इवन इफ़ यू हैव डन अ लॉट ऑफ गुड रिसर्च आपकी प्लानिंग अच्छी है आपने मवाद अच्छा इकट्ठा किया है और आपने उसको लिखा है अगर आपकी ग्रामर में कोई कोताही होगी और इफ़ इट लैक्स बिहाइंड अदर राइटर्स दैन द रीडर विल फील कि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है उनको शक होगा कि शायद जो बाकी भी आपने इन्फॉमेशन दी है पता नहीं वो भी इज़ इट रिलायबल इज़ ए ट्रस्ट वर्ड दी और नॉट सो दैट काइंड ऑफ मेक्स अ डेंट इन योर रेप्यूटेशन एज अ राइटर इवन दो पीपल कैन अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेग लेकिन ग्रामर से एक आपका इम्प्रेशन पड़ता है और पंक्चुएशन से भी इम्प्रेशन पड़ता है बेहतर ठीक है और कई दफ़ा तो आपके मीनिंग्स भी अगर पंक्चुएशन गलत हो तो उससे चेंज हो जाते हैं लेट्स लुक एट सम कॉमन एरर्स दैट ऑल ऑफ अस आर मेकिंग इन आर लैंग्वेज टुडे उसमें एक मेरा बहुत फेवरेट है जो हमारे सारे टी के ड्रामों में भी अक्सर होता है यू आर नॉट टेकिंग मी सीरियस एक्चुअली इट्स एन एड एंड इट शुड बी यू आर नॉट टेकिंग मी सीरियसली दैट्स द करेक्ट वर्जन लेकिन हम उसको गलत वर्जन को इतनी दफ़ा सुन चुके हैं कि हमें लगता है कि अब यही ठीक है इसी तरह एक और एग्जाम्पल है बहुत कॉमन है सब कहते हैं जब कोई काम हो जाए कंप्लीट हो जाए तो देन वी ऑल्सो थैंक्स गॉड एक्चुअली द करेक्ट फ्रेज इज थैंक गॉड द एस इज सरपल इन देयर दैट्स द करेक्ट वर्जन इसी तरह से अक्सर ये सुनते हैं कि लोग कह रहे हैं कि हम गॉसअप्स करते हैं

help you get over these and also to be mindful and to be conscious while you're reading or while you're listening that the people are or writing are doing it correctly. there is another word, biasness, which means prejudice, commonly used, the actual word is bias. It's not biasness, it's bias. So these are all some common errors that uh, I've experienced in people around me, so I thought I should शेयर दैट विथ यू एंड आई एम श्योर दे आर मैनी अदर्स दैट यू कैन थिंक ऑफ अच्छा ग्रामर और पंक्चुएशन से क्या फ़र्क पड़ता है अब एक जुमला है उसमें अगर आप कहें लेट्स uh, ईट आपने अगर अपनी ग्रैंड माँ को खाने के लिए बुलाना है और ये जुमला इंग्लिश में कहना है तो वर्ड्स हैंट्स ईट और ग्रैंड मा अगर आप उसमें बीच में कॉमा ही लगाएंगे तो जुमला कुछ यूँ साउंड करेगा लेट्स ईट ग्रैंड माँ जिससे कि ये लग रहा है कि चलो चल के ग्रैंड को खाते हैं लेट्स ईट ग्रैंड अगर आप कॉमा सही जगह पे लगाएंगे लेट्स ईट के बाद कॉमा लगाएंगे तो फिर ये जुमला बनेगा लेट्स ईट ग्रैंड यानी ग्रैंड आइए हम खाते हैं सो दैट्स हाउ समटाइम्स इनकरेक्ट पंक्चुएशन कैन क्रिएट अ फनी सिचुएशन बट इट्स इनकरेक्ट एंड इट एज अ राइटर इट टेक्स अवे फ्रॉम योर अथॉरिटी एंड फ्रॉम योर क्रेडिबिलिटी सो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इसी तरह एक और है कि हाइफ़न जब आप यूज करते हैं अगर आप कह रहे हैं वॉच आउट मैन ईटिंग एप्स इसका ये मतलब है कि वॉच आउट करें ख्याल रखें एक शख्स जो है वो एप्स को बड़े बंदरों को खा रहा है लेकिन अगर आप इसमें सही जगह पे हाइफ़न लगाएंगे मैन ईटिंग के बीच में तो उससे ये पता लगेगा वॉच आउट वो एप्स हैं जो कि इंसानों को खाने वाले एप्स हैं वहां पे वॉच आउट मैन ईटिंग एप्स So that's how it changes the meaning, and sometimes it can create confusion also. you may be doing well in your studies in other subjects, and you might think that oh, mujhe grammar But guess what? Every writer, ko, even professional writers, have some errors that they constantly make, and so we need to look at grammar and take it seriously and not think that oh, mere ideas are achhe mere story but it's sunane ke liye. क्योंकि वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी इफ़ द ग्रामर एंड पंक्चुएशन इज़ नॉट करेक्ट थैंक यू